वेलकम बैक, सुस्वागतम, वड़कम, हार्दिक स्वागत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 आठवां दिन दूसरा सेशन हम शुरू कर रहे हैं गुवाहाटी असम में सुरसुजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आज हम सुबह गए थे इंडोर स्टेडियम जहां बास्केटबॉल का हमने गेम देखा, उसके बाद उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये बड़ा खूबसूरत ट्रैक एंड फील्ड मल्टीपर्पज स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां क्या होने वाला है, जहां ये होने वाला है खो खो, भारत का अपना खेल जिसकी जड़ें विशुद्ध रूप से आपको भारत में मिलेंगी। कोई और देश दावा तक नहीं कर सकता कि ये खेल हमने दिया, ये भारत का अपना खेल है। और यहां जय तैयार हैं, विजय तैयार हैं, उनके साथ बहुत सारे खो खो के प्रेमी तैयार हैं और हम तैयार हैं महाराष्ट्र और गुजरात के इस मुकाबले के लिए। दो पड़ोसी राज्य, एक महाशक्ति महाराष्ट्र जहां से खो खो का खेल उत्पन्न हुआ और उनके पड़ोसी गुजरात ने कितना सीखा है उनसे ये पता चलेगा अगली चार इनिंग्स में जो कि 9-9 मिनट की होंगी। मेरे साथ रविकांत सिंह है, वेलकम बैक सर, माय नेम इज सुनील तनेजा। थैंक यू सुनील, एंड दिस इज हाउ द महाराष्ट्र टीम लाइन अप। प्राची जंथुरे वैष्णवी धोके, दे हैव गॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, 9 प्लेयर्स इन एक्शन रनिंग एंड chasing, and Maharashtra and Gujarat both have qualified already. Maharashtra defeated Haryana by an innings 15-5. This is how the Gujarat lineup looks. Rasaben Makwana, Chandrika Ben Thakur, they can really wonderful performance by them. Defeated Kerala 15-11, defeated Haryana 12-11. So both Maharashtra and Gujarat girls have already, this is where they stand, 3 points each, so fighting for the 1 and 2 positions in Group B, and they will be taking on, they have already booked their place in the semi-finals, and in the semi-finals who goes where and faces whom is what that will be decided. Jai Bhavani Jai Shivaji ka udghosh sunai de raha hai team ke supporters ki taraf se, aur 9-9 मिनट की चार इनिंग्स का ये खेल है। महाराष्ट्र की टीम चेज कर रही है, यानी कि पकड़ेगी, यानी टैग करेगी, टच करेगी, खो बोलेगी। गुजरात की टीम डिफेंस में है और जब डिफेंडर उतरते हैं तो तीन की जोड़ी में उतरते हैं। आप देख सकते हैं तीन गुजरात के डिफेंडर अपनी ब्लू एंड व्हाइट जर्सी में घूम रहे हैं, महाराष्ट्र ब्लू और रेड में है और उनका काम है गुजरात के डिफेंडर्स को यानी रनर्स को पकड़ना। हर एक डिफेंडर को टच आपको एक एक पॉइंट दिलवाएगा। Remember, the chasers, who are the attackers, can only get up and move the way their shoulders are facing, and which is why they sit facing alternate ways. Maharashtra having inflicted an innings and 10 run defeat on Haryana, had another easy outing 18-9 against Kerala. No surprises that, because Maharashtra is indeed the home of Khokho in country. Oh, absolutely. Chhatrapati Shivaji ki jo sena thi, jaise Ravi usne aapko bata rahe the, wo Khokho khela karti thi kyunki unko jin ilaqon mein rehna aur gorilla yuddh ladna padta tha wahan Khokho ka khem aapke pairon ko aapke thighs ko mazboot banata hai. Kya pehla touch hua hai? Nahi. यहाँ पर 5 ऑफिशियल्स मैट पर मौजूद हैं, एक रेफरी, 2 अंपायर, 2 पोल अंपायर जो दोनों पोल्स के पीछे खड़े हैं। अब क्रॉस द फिंगर, पहला पॉइंट महाराष्ट्र के लिए। एक चेजर गुजरात की जो कि नंबर 7 है विभूति, उनको बाहर जाना पड़ेगा। स्कोरिंग द फर्स्ट पॉइंट इन ऑलमोस्ट 90 सेकंड्स प्लस, रिमेंबर ईच इनिंग्स इज 9 मिनट्स, सो द चेजिंग साइड गेट्स टू टच as many as they can in that period of 9 minutes. So they're playing by the clock, 4 innings of 9 minutes each. Both sides gets one opportunity to chase. And how many can you totally score? Bit of confusion there, lack of communication in Maharashtra. Remember they put the wrong chaser up. And that's exactly why the runners will keep weaving around, going behind the chasers. Oh, good tag attempted. Oh, gone out of play there. Tag not completed. रवि, बाल बाल बच गए गुजरात के डिफेंडर, उनका एक पैर शायद पिंक एरिया में, जो प्ले एरिया है उसमें रहा था। अगर दोनों पैर आपके ब्लू एरिया में चले जाएं तो फिर रनर को यानी डिफेंडर को
बाहर जाना पड़ेगा. बट दिस इज गुड डिफेंस फ्रॉम गुजरात. डाइविंग अटेम्प्ट, ऑफ कोर्स द फिंगर. सेकंड रनर विल हैव टू गो आउट. अब लास्ट एक प्लेयर बची है, और जब एक प्लेयर रह जाती है, खास तौर पे ये देखिए, ये इतना आसान लगता है नहीं. टच शीतल बेन हुआ है. जब आखिरी प्लेयर रह जाती है, खासतौर पर गर्ल्स खो खो में, तो हमें चेन डिफेंस ज्यादा देखने को मिलता है, यानी zigzag मूवमेंट. ये देखिए, ये चेन डिफेंस है, zigzag मूवमेंट, बैठे हुए चेजर के बीच में से zigzag करके दौड़ना. ये रिंग डिफेंस है, जब आप सर्कल बना के दौड़ती हैं, वो रिंग डिफेंस कहलाता है खो खो में. और जब एक डिफेंडर रह जाए, उसको सब कुछ करना पड़ेगा. लास्ट प्लेयर ऑल्सो गोज आउट. तीनों पहले प्लेयर आउट और नया तीन का सेट आ गया. Diving touch there from Maharashtra number 6, that is Shreya Patil. Wonderful work to finish off the first three runners to score 3 points. One eye on the clock as well. It's close to 4 minutes now. So Maharashtra have got to try and up the ante now, increase the pace. The moment the first set goes out, the second set has to come charging in, and that's where the chasers have to be extra alert, because they can tag them as they come in, and which is why you start with a chaser who's sitting facing in that direction. The rules only allow the chasers to get up in the direction that they shoulder is facing, which is the why teams place the chasers facing opposite directions in the chasing block. The area, this little square that is marked in the center line, that's called the chaser block. और ये सारे रूल हैं पुणे में लोकमान्य तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक साहब ने एक्चुअल में पेन डाउन किए थे, बनाए थे. डाइविंग अटेम्प्ट, ऑफ कोर्स द फिंगर. चौथा पॉइंट महाराष्ट्र के लिए 5 मिनट के भीतर भीतर. ये देखिए, बिल्कुल सामने शिकार मिला. गुजरात की नंबर 9 भावना बेन सी वाशवा को बाहर जाना पड़ेगा. पॉइंट अ मिनट, दैट्स द रेट महाराष्ट्र आर वर्किंग एट, एंड क्लेमिंग अ टच. यस, दे गॉट इट. That's the fifth point that Maharashtra have got. So that is great going. There you see good reach there. You can't step over the center line, but you can reach, and if you can touch, that is very, very smart play. Defenders, if they want to go around to the other side, they've got to come around the post, which is why the post umpires are there. You can't take any shortcuts. There you see the swing around the pole. Use the pole as a pivot and swing around, getting the defenders cannot cross the center line. That's a strict no-no. Chasers, beg your pardon. Runners have a free hand going anywhere they can, which is why the chasers have got to be very, very quick. Get up and make sure you give the core, which is the touch and core, to your player who's facing in the right direction. Get it wrong once and you are in trouble. So two sets taken out. This is the touch, very, very close. 6-0. So Maharashtra made a strong start. Still 2:15 on the clock to go. खो खो में महाराष्ट्र की टीम अगर बड़े मार्जिन से जीते, कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं है. ये आखिरी टच, इनफैक्ट जो पहला टच नहीं दिया गया था क्योंकि सेंटर लाइन के ऊपर से था, उसके बाद जो आपने पहले रिप्ले देखा, आखिरी टच हुआ. 2 सेट आउट हो चुके हैं गुजरात के, तो 6 पॉइंट महाराष्ट्र के नाम है. आखिरी सेट 3 प्लेयर्स का मैदान में दौड़ रहा है, और उनमें से भी इनफैक्ट एक प्लेयर अभी आउट हुआ है. तो 7 पॉइंट मिल चुके हैं. जब पूरी टीम ऑल आउट हो जाए, क्योंकि खो खो में 9 प्लेयर हैं, जब पूरी टीम ऑल आउट हो जाए, तो पहले 3 खिलाड़ियों का सेट वापस लौटता है. 8 पॉइंट फॉर महाराष्ट्र. दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग चेजिंग रवि. नो वंडर दे आर द पावर हाउस ऑफ खो खो इन इंडिया. Taken out was Priyanka Chaudhary of Gujarat. 8-0 the lead for Gujarat. Under 90 seconds remaining. Last chaser from the third set in action.
action on the mat. The first set of three, which were taken out early, are on the standby. Chasers cannot go over the center line, but they can touch and give the call. That is the sound that the chaser must make to allow the next chaser to take a turn. In here is nine. Not given. बिल्कुल रवि, मुझे भी लगा कि टच हो गया है, लेकिन ये टच माना जाएगा। ये पहली बार डायरेक्शन लेफ्ट दिखाई थी चेजर ने, गई राइट में, लेकिन उसके बाद जो अंतिम टच हुआ वो वैलिड है। तो 9-0 स्कोर हो जाना चाहिए महाराष्ट्र के पक्ष में। ऑल आउट हो गई टीम, लेकिन कबड्डी की तरह यहां भी आप परमानेंटली ऑल आउट नहीं होते। ऑल आउट का मतलब ऑल इन है, यानी कि पहले तीन रनर्स का सेट वापस आ गया है और तकरीबन 20 सेकेंड बाकी है इस इनिंग्स में। Well, to put it very simply, you got to offer targets to the chasing side. So you keep offering targets in sets of three to the chasing side. And how many can they pick off in the 9 minutes? And that is end of the 9 minute period. And Maharashtra started off very, very strongly with 9 points. Beg your pardon. It is still 9-0. That was after the whistle. Official scoreboard still showing 9. Lot of strategies done. And now they have, I think the referee turned around and spoke to the scorer that the last touch was counted. So 10 points to start with for Maharashtra. Now that is an uphill task for Gujarat. Remember, the Maharashtra team have the option of giving the others a follow-on. That the first innings, first round of 9 minutes, Maharashtra 10-0. Already qualify कर चुकी हैं और ये मुकाबला तय करेगा कि कौन सी टीम टॉप पे रहेगी। महाराष्ट्र ने पहली इनिंग्स में चेज किया और 10 पॉइंट हासिल किए। अब गुजरात की टीम चेज करेगी। मान लीजिए गुजरात को सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है, तो गुजरात को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ेगा, मैंडेटरी है 9 पॉइंट की लीड पर। लेकिन अगर महाराष्ट्र की लीड रही 6-7 या 8 पॉइंट की, तो उन पे डिपेंड करता है कि वो फॉलो ऑन दें या ना दें। 6 पॉइंट की लीड फॉलो ऑन देना ऑप्शनल है, 9 पॉइंट की लीड अगर आपको मिलती है तो फॉलो ऑन देना कंपल्सरी हो जाता है। और यही गुजरात की कोशिश होगी, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लें, महाराष्ट्र पर लीड बनाएं, ताकि एक इनिंग से हार का डर ना हो उनके ऊपर। Maharashtra have already won one of their pool matches against Haryana, 15-5, which is 10 points and an innings. That's the difference. And that's like almost a test match mein jaise ek pari aur 150 run ki jeet, 200 run ki jeet, to make an analogy. Well, that's putting things in perspective for you. At the moment, Gujarat have got to try and pick up as many and as quickly as possible, because you've got only 9 minutes to do that. And if they can pull it off, well, they will certainly try and give a good performance before the semi-finals. और अक्सर जो टीम डिफेंस करती है, यानी कि रनिंग करती है, अपने सबसे बेहतरीन रनर्स को, सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स को पहले भेजती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करके आए। अब ये सेंटर महाराष्ट्र के प्लेयर को देखिए, किस तरह से बैठे हुए चेजर्स के बीच में से वो मूव कर रही हैं। इसको कहा जाता है चेन डिफेंस। जैसे आप एक चेन देखते हैं, उसकी दो कड़ियां जिगजैग मूवमेंट के अनुसार एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती है, बिल्कुल इसी तरह बैठे हुए चेजर्स के बीच में से आप जिगजैग करके मूव करेंगे। गर्ल्स खोखो में सबसे ज्यादा चेन डिफेंस देखने को मिलता है, जो इस समय महाराष्ट्र की रनर हमें दिखा रही हैं। और चेजर हमेशा ये करते हैं, क्योंकि एक अगर आप रनर का पीछा करेंगे तो वो जल्दी थकती है। दूसरे प्रकार का डिफेंस है रिंग डिफेंस, जिसमें आपको गोल गोल घूमना पड़ता है। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान माना जाता है चेन डिफेंस। और चूंकि चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, हम हमेशा मानते हैं कि टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग खेल हमेशा गर्ल्स कैटेगरी में दिखता है। यहाँ आपको हो सकता है वो एक्रोबैटिक एक्शन ना दिखे, लेकिन दिमागी खेल हमेशा गर्ल्स की कबड्डी और गर्ल्स की खो खो में देखने को मिलेगा। और वही दिमागी डिफेंस है चेन डिफेंस जो हमें दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 2 मिनट्स गॉन ऑन द क्लॉक।
No points for Gujarat. Maharashtra runners doing very well, keeping them at bay. They see a very desperate attempt. Remember, the chasers are not allowed to go across the center line. They must come around the post. And if they get up and run in the wrong direction, they need to go to the edge and come back, which allows a breather to the runners. At the moment, Maharashtra's first set of runners, Kiran Shinde, really giving, running the chasers from Gujarat ragged. No points scored. 2.5 minutes gone. रवि, पहले नंबर 3 प्रीति अशोक काले को टारगेट बनाया जा रहा था, प्रीति उनके हाथ आई नहीं, तो गुजरात ने टारगेट बदला है, अब किरण को टारगेट बनाया जा रहा है। 3 डिफेंडर हैं, आप एक को टारगेट बनाते हैं ताकि वो जल्दी थके, लेकिन अगर 1.5-2 मिनट में आपने उसको टच नहीं किया तो जरूरी है कि आप अपना टारगेट बदल लीजिए, प्लान भी हमेशा होना चाहिए। बट दिस इज सो सॉलिड डिफेंस फ्रॉम महाराष्ट्र। 3 मिनट हो गए हैं, गुजरात ने एक भी डिफेंडर को टच नहीं किया। डेस्परेट अटेम्प्ट, अपील खारिज कर दी गई। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र चेजर्स, महाराष्ट्र रनर्स। Another diving attempt, but just got away the Maharashtra runner. No points for Gujarat even now. 3 minutes plus gone, so really running them ragged. Yeah. Now that walk, that's a typical Kho-Kho walk. Shoulders going straight. First point for Gujarat taken. Vibhuti Gamit takes out the first Maharashtra runner. और उन्हीं को आउट किया नंबर 5 किरण शिंदे, जिनको अपना टारगेट बनाया था महाराष्ट्र ने। बट किरण हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब। तकरीबन 3.5 मिनट बाद पहला पॉइंट गुजरात को मिला है। अगर मान लीजिए स्कोर 10-1 ही रहा 9 मिनट के बाद, तो गुजरात को फॉलो ऑन का सामना करना ही पड़ेगा, कंपलसरी होगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र की लीड 6-7 या 8 पॉइंट की हुई, तो उन पर डिपेंड है वो फॉलो ऑन दे या ना दे। नाइस ब्राइट सनी डे हियर विद अ स्लाइट विंड, making things ideal for Kho-Kho. In the evening session, the players have been suffering a bit due to the dew factor, which comes down pretty early in this part of the country. Nightfall is about 5:30 p.m. It's in, the city is enveloped in complete darkness. Gujarat chasers struggling for their second point. They picked up 1, 4.5 minutes. So half the innings gone with just 1 point. First set of runners from Maharashtra running the chasers ragged down. इसीलिए हम बात कर रहे थे कि कोई भी टीम जो डिफेंस करती है हमेशा अपने सबसे मजबूत 3 रनर्स को पहले भेजती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करवा दे। ये देखिए, ये चेन डिफेंस है, जिगजैग मूवमेंट, बैठे हुए चेजर्स के बीच में से रिंग की तरह, दो कड़ियों की तरह घूमना बहुत दिमागी खेल है और यही फायदा उठाया जाता है। ये जो काम किया है इसको कहते हैं जजमेंटल खो। जब एक चेजर पोल तक जाता है, वहां से जज करता है कि मैंने कौन से खिलाड़ी को खो देनी है, 1 सेकंड का टाइम लेता है, आधे सेकंड का, दैट्स कॉल्ड जजमेंट खो। बट जजमेंट जो है रवि, वो महाराष्ट्र की जबरदस्त रही है। 5.5 मिनट, एक ही पॉइंट उन्होंने अब तक गुजरात को लेने दिया है। चांसेस ऑफ फॉलो ऑन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। Well, definitely looking like an overwhelming performance from the Maharashtra runners. Tactical, great tactical play by the Maharashtra runners, not giving the opposition much. Maharashtra have already got 1 innings win against Haryana, 10 points in an innings. The score was 15-5 in the 2 innings that Haryana played against Maharashtra. Maharashtra played 1 innings, got 10, and 2 innings by Haryana. The total was 5, and a similar scenario is looking likely over here, because already 6.5 minutes almost gone. Now she's got tired, exhausted, but still the first set is still there on the mat. तो रवि, अब जो है कि प्रांजल थक गई थी, टच नहीं हुआ, लेकिन वो प्ले एरिया से बाहर चली गई। शी गेव अप, टायर्ड लेग्स फ्रॉम प्रांजल। 7.5 मिनट तक अगर आप रनिंग कर रही हैं, दैट्स एक्सीलेंट जॉब। अब
कंपलसरी फॉलो ऑन का खतरा टल गया है। कंपलसरी फॉलो ऑन तभी मिलता है जब विरोधी टीम की लीड 9 पॉइंट की हो। मान लीजिए गुजरात को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और महाराष्ट्र उनको फॉलो ऑन देता है जो ऑप्शनल है। मान लीजिए महाराष्ट्र ने फॉलो ऑन दे दिया, अगली बार फिर गुजरात चेज करेगा, महाराष्ट्र डिफेंस करेगा। मान लीजिए वहां भी गुजरात को 3 पॉइंट मिले तो महाराष्ट्र एक इनिंग्स और 4 पॉइंट से जीत जाएगा। जैसे क्रिकेट में आप एक पारी और 100 रन 200 रन से जीतते हैं, ठीक रूल खो-खो में अप्लाई होते हैं। एट द मोमेंट इट इज महाराष्ट्र रनिंग देम रैगेड इन देयर सेकंड सेट हैज नॉट इवन कम ऑन टू द मैट। मिनट एंड अ हाफ रिमेनिंग ऑन द क्लॉक। महाराष्ट्र हैज पुट इन अ स्टुपेंडस performance here. The runners really taking everything out. First set not yet over, so more targets will not come. Slightly tough for us to get the shirt number of the Maharashtra girls because black on dark blue. Number 3, Priti Kale. Preeti Kale it is, and Preeti Kale will run it down to the final minute now. और रवि, प्रीति काले वो पहली रनर थी जिसको गुजरात ने टारगेट किया था। ये टच नहीं माना जाएगा, लाइन के क्रॉस हुआ था तो प्रीति काले को सबसे पहले टारगेट किया था। 2-2.5 मिनट तक वो किसी के हाथ नहीं आई। अब शी कैन नॉट बी टैग। नहीं नहीं, टच नहीं हुआ। तो पहले प्रीति काले को टारगेट किया, वो पकड़ी नहीं गई, उन्होंने अपना टारगेट चेस किया। यहाँ डेस्परेट अटेम्प्ट, प्रीति बाल बाल बच गई। तो प्रीति अपने टीम की सबसे मजबूत डिफेंडर है। द लास्ट गर्ल स्टैंडिंग, आखिरी 20 सेकंड। दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिफेंस फ्रॉम महाराष्ट्र। और जिस तरह से चेजर दौड़ दौड़ के थक गए होंगे, रवि हैरानी नहीं होगी कि महाराष्ट्र गुजरात को फॉलो ऑन दे। यहाँ कंपल्सरी नहीं है लेकिन ऑप्शनल जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र को चाहिए कि एक इनिंग्स की डिफीट हासिल करें। Well, it sends a message to the opposition when you beat the others by an innings, and that is 9 minutes done. Just 2 points for Gujarat. So Maharashtra have the option to ask Gujarat to chase again, and I think that may be the right tactics because their runners are fresh and Gujarat chasers. जलवा देखा है और यहाँ खो खो में जलवा दिखा रही हैं महाराष्ट्र की लड़कियां, अंडर 17 गर्ल्स। ये पूल बी का आखिरी मैच है। महाराष्ट्र द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउस ऑफ खो खो इन इंडिया, एंड वेरी राइटली सो, दे हैव शोन दिस। क्या महाराष्ट्र गुजरात को फॉलो ऑन देगा? महाराष्ट्र ने अपनी चेज वाली इनिंग्स में 10 पॉइंट बनाए और गुजरात ने सिर्फ 2 पॉइंट बनाए। यहां पर जब 9 से कम पॉइंट की लीड हो, 6-7-8 पॉइंट की लीड हो, तो फॉलो ऑन देना ऑप्शनल है और महाराष्ट्र ने गुजरात को फॉलो ऑन दिया है। यानी अब गुजरात ने अगर कम से कम 8 पॉइंट नहीं लिए तो वो एक इनिंग से हार जाएंगे। मेक्स परफेक्ट टैक्टिकल सेंस फॉर महाराष्ट्र बिकॉज देयर फर्स्ट सेट वाज नॉट कंप्लीटेड, सो दे हैव 6 फ्रेश रनर्स इन द out and they can now start showing their tricks. We'll have to see who are the runners coming on. Maharashtra leading 10-2 and have enforced the follow on Gujarat. Gujarat chasers would be already a bit tired because they've spent 9 minutes chasing without much success. Just got 2. Could not even take out the first set of 3, and the chasers have to start chasing yet again. बिल्कुल एकदम सही स्ट्रेटजी। जब आपकी विरोधी टीम इतनी थकी हो और वैसे भी 2 पॉइंट मिले हो, मॉरली भी डाउन होंगे कि हम सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को टच कर पाए। फिलहाल टारगेट बन रही है जानवी विजय कुमार पेठे जो कि 11 नंबर में है। तो नया सेट 3 प्लेयर्स का भेजा है, आप चाहे तो उन्हीं पुराने 3 प्लेयर से शुरुआत कीजिए, बट दैट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज ऑल दीज प्लेयर्स मस्ट बी रियली टायर्ड। पहला पॉइंट बिल्कुल मिला है, वेल डन गुजरात, अच्छी शुरुआत है रवि। आधे मिनट के भीतर भीतर पहला पॉइंट, दे नीड एटलीस्ट 8 पॉइंट्स टू अवॉइड दैट इनिंग्स डिफीट। फर्स्ट पॉइंट टेकन अर्ली बाय महाराष्ट्र, वैष्णवी हैज गॉन आउट, बट 2 मोर रनर्स रिमेन फ्रॉम द फर्स्ट सेट। जानवी पेठे स्टिल
running as Sunil just pointed out, the chain defense running through, weaving through the runners behind the back. Was taunting the Gujarat chasers there by almost confusing them. This is very, very smart play by the Maharashtra runners. They keep switching positions among themselves and coming close, which means that the other runner has an opportunity to have a breather. Janhvi got a breather, and now Shreya Patil is trying to present an alternative target. Very, very clever play by Maharashtra. And why not? The roots of Khokho are in Maharashtra. Gujarat chasers still so far away from the runners. 2 minutes ka time ho chuka hai, aur very rightly said Ravi, roots of Khokho are definitely in Maharashtra. हालांकि अगर खो खो के हम पुराने रूपों की बात करें तो रथेरा नाम का खेल खेला जाता था महाभारत के टाइम पे, जहां क्षत्रिय लोग रथ पे बैठ के तकरीबन ऐसा ही गेम खेलते थे, एक दूसरे को टैग करने वाला। वो एग्जैक्ट खो खो नहीं था, लेकिन उसी का एक पुराना रूप था। जैसे महाभारत के युद्ध में जो चक्रव्यूह रचा गया था, 7 द्वार हैं और एक उसके एक क्षत्रिय उसके अंदर जाके उनको तोड़ेगा। So, 7 vs 1 से कबड्डी का हमें अंदाजा मिला और रथेरा से हमें खो खो का अंदाजा मिला। और फिर बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक साहब ने इसके नियम गढ़े प्रॉपरली, जो आज की खो खो आपको दिखाई देती है। ऑफकोर्स महाराष्ट्र सबसे बड़ा पावर हाउस। छत्रपति शिवाजी महाराज आर्मी in and around the Singhgad fort use the jungles for their guerrilla warfare, and this is how they used to train. Perfect training squad. Get up and run. Up goes the finger. Fourth point now for Gujarat, but look at the clock. 3 minutes plus already gone. Shreya Patil must be exhausted. The amount of running that she has done, and I'm sure must have got a huge pat on the back from her coach, Sudhir Chapalgaonkar. The last girl standing is अभी पहला सेट है, जानवी विजय कुमार पेठे। स्कोर डिफरेंस देख लीजिए, गुजरात की ये सेकंड इनिंग्स है, उन्हें कम से कम 6 पॉइंट और लेने हैं ताकि महाराष्ट्र को पारी के अंतर से ना जीतने दें। अगर गुजरात 9 या उससे कम पॉइंट टोटल में रखता है, महाराष्ट्र एक पारी के अंतर से अपना दूसरा मैच जीत जाएंगे। Like we keep saying in the game of cricket, test cricket, team following on needs to score so many to make the other team bat again. And finally, Janhvi Pethe gives up. So Maharashtra, there you see the touch. The Maharashtra runner completely exhausted. But not a bad performance from them, because 4 minutes 20 is what the first set took out. Almost half the innings taken out by the first set. तो इससे ये भी पता चलता है रवि कि ये जो पहला सेट आया था वैष्णवी, श्रेया और जानवी का, ये टीम के बेस्ट डिफेंडर नहीं है। बेस्ट डिफेंडर वही थे जो पिछली बार आए थे, जो पूरे आउट भी नहीं हुए थे, लेकिन चूंकि वो थके हुए थे इसलिए कोच ने उनको दोबारा नहीं भेजा। तो अपने सेकंड बेस्ट सेट को उन्होंने भेजा, उन्होंने भी खैर बुरा काम नहीं किया, 4.5 मिनट ले गए। ये सेकेंड सेट है 3 प्लेयर्स का, और गुजरात की बिल्कुल वही कोशिश है कि इनिंग्स डिफीट को टाला जाए, उसके लिए इन 3 को आउट करना है, अगले 3 को भी आउट करना है, तो कहीं आप इनिंग्स डिफीट को टालेंगे। डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन द रनर्स आर गोइंग वेरी वेरी क्लोज टू द चेजर्स, बिकॉज द चेजर्स स्क्वाटिंग इज नॉट इन एक्शन, सो दे कैन नॉट टच, ऑलमोस्ट टचिंग देम ऑन द शोल्डर एंड रनिंग अवे। It's almost taunting them, you cannot touch me, because only the chaser who's active away. Oh, great diving attempt, and gets another point for Gujarat there. Good dive. Sheetal Ben Goyal got that point,
still four more to go. There you see the dive running away, but getting the point without any problem. She was aiming for that ankle tap, लेकिन सामने नहीं आया तो knee tap हो गया. जैसे कबड्डी में thigh hold की कोशिश करती है, करते हैं defender और हाथ में knee आ जाता है. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ankle tap की कोशिश होती है, जिसके लिए आपको आगे झुक के dive लगानी पड़ती है. But लक्ष्य है विरोधी खिलाड़ी को किसी तरह से टच करना, टैप करना. चार डिफेंडर अब तक टच किए जा चुके हैं और महाराष्ट्र का जो सबसे बेहतरीन सेट था तीन प्लेयर्स का, इस बार उनको सबसे लास्ट में उतारा जाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा थके हुए थे पिछली इनिंग्स के बाद. दो मिनट बाकी हैं रवि, सात मिनट होने को आए हैं और लग रहा है कि गुजरात इनिंग्स डिफीट को टालने में उनको कठिनाई होगी. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी टफ आस्क बिकॉज यू नीड टू गेट टू ऑफ दीज एंड टू ऑफ द फर्स्ट सेट अंडर टू मिनट्स. एंड रिमेंबर द फर्स्ट सेट हैड लास्टेड ऑल ऑफ 9 मिनट्स, नॉट द फुल सेट टेकन आउट. And they are the best runners coming back after refreshing themselves. So they've had a break, they've had a breather and would be now coming ready. उसकी भी शायद नौबत ना आए रवि, डेढ़ मिनट बाकी है और दो डिफेंडर अभी महाराष्ट्र की कोर्ट में घूम रही हैं. सब्स्टिट्यूट किया गया है बिल्कुल राइट पोल के पास. सब्स्टिट्यूट चलते हुए मैच में आप कर सकते हैं, कबड्डी की तरह यहां आपको टाइम आउट लेने की या अलग से सब्स्टिट्यूट का टाइम लेने की जरूरत नहीं है. सब्स्टिट्यूट आपको चलते मैच में ही मिलेगा. फिलहाल दीक्षा नंबर 8 को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है और चेन डिफेंस कैसे करते हैं दीक्षा, कितनी खूबसूरती से चेन की दो कड़ियों की तरह चेजर्स के बीच में घूम के बता रही है. Just weaving through the chasers. Remember, the chasers on the ground, squatting on the ground, are not in play. Only the chaser who's up. There you see, standing absolutely next to the chaser. We are already about 45 seconds away. So this is a surrender almost by the Maharashtra girls, and one more from the set remaining. There you see the dive coming in. He has got the ankle, got the tap on the ankle. Great dive there, but too little too late. ठीक कबड्डी में जैसे रनिंग हैंड टच आप करते हैं, हैंड टच करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एंकल टैप, शोल्डर टैप सबसे कॉमन टेक्निक्स हैं जो चेजर यूज करते हैं डिफेंडर को आउट करने के लिए. आखिरी सेट महाराष्ट्र का क्या आएगा, 8-9 सेकेंड बाकी हैं. अगर ये टच हो गया तो आखिरी सेट की नौबत पड़ेगी, अन्यथा महाराष्ट्र मैच तो जीतने ही वाले हैं. गौरी राजेश शिंदे आखिरी प्लेयर हैं. दैट्स इट, खो-खो का पावर हाउस महाराष्ट्र अपने तीनों ग्रुप मुकाबले जीत चुके हैं अंडर 17 गर्ल्स में. एक इनिंग्स और 3 पॉइंट से उन्होंने गुजरात को, अपने पड़ोसियों को हराया है और बताया है कि गोल्ड से कम भी नहीं मानेंगे वो. Maharashtra showing why it is the powerhouse, and there you see celebrations in the Maharashtra squad, winners by an innings and 3 runs in the 3 points in the Khokho Group B girls under 17 contest. So Maharashtra finishes top of Group B. Gujarat will be number 2, Kerala and Haryana who play, but they are out of the semi-final. So this is the final, how it all ended. Maharashtra defeating Gujarat by an inning.